हेलो एवरीवन, आई एम संतोष पानो एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश विद मी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, सबसे पहले मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है ऊपर, सुपर फ्लूअस एक्सप्रेशन, जो अपने आप में आपको एक मीनिंग दे रही है कि सुपर फ्लो है. FL, ये जो वर्ड है हमारा फ्लूअस, सुपर फ्लूअस, OUS, ठीक है. इसमें जो हमारा ये रूट वर्ड हमें दिख रहा है FLU, और इसका मतलब होता है फ्लो, यानी कि बहना या बहाव, ठीक है. ये आगे किसी दिन मैं रूट वर्ड जब डिस्कस करूँगी तो उसमें आपको बताऊँगी कि FLU वर्ड जहाँ भी आता है. जैसे आप एक वर्ड बोलते हो फ्लुएंट स्पीकर है वो, तो वहाँ पर भी FLU वर्ड है. इसका मतलब धारा प्रवाह बोलता है, रुकता नहीं है, बीच में अटकता नहीं है, राइट. तो अब ये देखिए कि जैसी एक्सप्रेशन है कि सुपर फ्लो है जिसमें एक्सप्रेशंस का, इट मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं. वहाँ पर वो वर्ड नहीं आना चाहिए, लेकिन हम फालतू में ही उस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं. जैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी कुछ वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गोल चक्कर पे उतार देना मुझे, ऑटो से जा रहे हैं तो बोल देते हैं, राइट. तो चक्कर तो हमेशा गोल ही होता है, लेकिन सामने वाला भी हमारी इस एक्सप्रेशन को समझ जाता है और हमारा काम चल रहा है, क्योंकि वो स्लैंग है. स्लैंग का मतलब ही होता है कि काम चलाऊ भाषा जो आप अपनी बोल रहे हैं. लेकिन जब ये बात आती है व्हेन इट कम्स टू रिटन एग्जाम, तो वहाँ पर आपका ये नॉलेज चेक होगा कि आप कोई फालतू फ्रेज तो नहीं यूज़ कर रहे सेंटेंस में, और इसकी ये एक एरर बनती है. इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये एक चैप्टर का नेम है, सुपर फ्लूअस एक्सप्रेशन, यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड आप यूज़ कर रहे हो. OUS लगाने से बनता है एडजेक्टिव, यानी कि फुल ऑफ सुपर फ्लूअस, यानी कि सुपर फ्लो है जिसमें वर्ड्स का, और इसीलिए ये चैप्टर का नाम है. क्लियर है, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं. क्लियर है, तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहला वर्ड हमें दिख रहा है गुड नेम, ठीक है. अब बताइए इसमें क्या फालतू हो सकता है. जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना तो बोलते हैं इसको हिंदी में, जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर लोग कहते हैं जी आपका शुभ नाम, शुभ वर्ड लगा देते हैं. सेकेंड थिंग, इंग्लिश में जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यू आर गुड नेम प्लीज़ बोलते हैं ना. अब ये फालतू क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ. आपने साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स ऑपोजिट रिएक्शन, होती है ना. अगर मैं ये बोलूँ आज गर्मी नहीं है, इसका मतलब कल थी. ये ड्रेस महंगी है, इसका मतलब बाकी सस्ती हैं. इन द सेम वे, अगर आप किसी पर्सन को कह रहे हो कि जी आपका नाम अच्छा है, तो बाकी 10 लोग बैठे वहाँ पर उनका नाम खराब है क्या, नहीं कह सकते ना. तो ये इरिटेट करने वाली स्टेटमेंट बन जाती है, रेदर देन आप उसको क्या कहते हैं, बटरिंग करने की कोशिश कर रहे थे और आपने उल्टा उसको इरिटेट कर दिया, ठीक है. तो आप कभी भी नेम से पहले गुड और बैड जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते. मान लीजिए अगर आपको किसी का नाम काफ़ी अच्छा लगा और आप काफ़ी इम्प्रेस हुए उस नाम से, देन यू कैन यूज़ योर नेम इज़ वेरी मीनिंगफुल, आई लाइक इट, इस तरीके से आप बोल सकते हो, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो. लेकिन गुड नेम से पहले गुड और बैड जैसी एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं करेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, आप सिर्फ नेम वर्ड बोलेंगे किसी से भी जब बातचीत करते हैं. क्लियर है. सेकंड वर्ड की तरफ मूव करते हैं, कज़न, ब्रदर एंड सिस्टर. बहुत ज़्यादा हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ करते हैं. कज़न का मतलब ही क्या होता है, ये कॉमन जेंडर है. कॉमन जेंडर का मतलब ये होता है कि वी कैन यूज़ दिस वर्ड फॉर मेल एज वेल एज फीमेल. जैसे कि आप एक वर्ड बोलते हो लीडर, अब लीडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. आप कहते हो बेबी, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. टीचर, डॉक्टर, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. तो जब ये दोनों के लिए ही ये वर्ड यूज़ होता है, तो हम क्यों फालतू में सुपर फ्लो कर रहे हैं ब्रदर और सिस्टर लगा करके. आप ये बोलिए ही इज़ माई कज़न, शी इज़ माई कज़न, सामने वाले को उसका मीनिंग समझ आ जाएगा. तो कभी भी आप ना बोलें ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ही इज़ माई कज़न सिस्टर, ठीक है. तो फालतू वर्ड हमारा क्या हो गया, ब्रदर और सिस्टर वर्ड का यूज इसके साथ हम नहीं करेंगे, आज से ही शुरू कर देंगे इसको, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है कंसोर्ट हस्बैंड और कंसोर्ट वाइफ. अब ये देखिए क्या वर्ड है हमारा. कंसोर्ट होता है किसी भी खास पर्सन, कोई भी, ये कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई खास की पोजीशन होल्डर जितने भी लोग होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, CM है, इस तरीके से. तो उनके हस्बैंड और वाइफ के लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं. जैसे मैं ये बोलूँ कि जो चीफ गेस्ट है वो अपनी कंसोर्ट के साथ बैठा हुआ है, इट मीन्स वो उसकी वाइफ है, या कोई फीमेल मेल के साथ बैठी हुई है. तो खास पर्सन, की पोजीशन होल्डर जो बंदे होते हैं, उनके हस्बैंड और वाइफ को शो करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंसोर्ट. तो कभी भी हम इनको हस्बैंड और वाइफ वर्ड के साथ यूज़ नहीं कर सकते. सिंपली वर्ड यूज़ करिए कंसोर्ट, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ.
स्पाउस का मीनिंग क्या होता है, ये ऑलरेडी वर्ड हमारे हस्बैंड और वाइफ के लिए यूज़ होता है। जैसे कई बार आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सुनते हो कि उसका स्पाउस वीज़ा लग गया, इट मीन्स हस्बैंड वाइफ दोनों जा सकते हैं। तो आप इसके साथ हस्बैंड और वाइफ वर्ड यूज़ करके इसको सुपरफ्लुअस मत बनाइए। ही इज़ माई स्पाउस, शी इज़ माई स्पाउस, आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है बिग ब्लंडर। अब जब हम जनरली बात करते हैं तो कुछ वर्ड और देखते हैं हम, एक वर्ड हम बोलते हैं एरर, एक वर्ड हम बोलते हैं मिस्टेक, बोलते हैं। अब ये देखिए, एरर हमारी होती है सबसे छोटी मिस्टेक। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है फाइंड आउट द कॉमन एरर। कॉमन वर्ड क्यों यूज़ होता है, क्योंकि वो 18 टॉपिक्स में से पूछी जाती है। कॉमनली किसी भी टॉपिक में से पूछा जाएगा तो एरर कौन सी होगी, कॉमन एरर, ठीक है। मिस्टेक क्या होती है, टेक होता है लेना, गलत तरीके से लेना, दैट इज मिस्टेक। आपको ऐसे काम करना था, आपने ऐसे कर दिया तो वो मिस्टेक हो गई आपसे, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं तो ये एरर सबसे छोटी मिस्टेक, मिस्टेक उससे बड़ी, और जिसलिए हम ये भी कहते हैं कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कभी हम नहीं कहते कि लर्न फ्रॉम योर एरर, नहीं कह सकते, ठीक है। मिस्टेक से बड़ा फॉर्म हमारा होता है ब्लंडर, मतलब एक इतनी बड़ी गलती जिसका रिपेयर पॉसिबल नहीं है, मतलब जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। जैसे कि आप किसी पर्सन है कोई, वहाँ पर आपने उसका मर्डर कर दिया और फिर आप कहते हो जी सॉरी, तो क्या ये क्षतिपूर्ति हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो आप कहोगे तो आप क्या कहोगे, इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ ब्लंडर, यू हैव डन, यू हैव मेड द ब्लंडर, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बिग वर्ड इस ब्लंडर के साथ हमारा क्या हो जाता है, फालतू, तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे। बिग वर्ड यूज़ करना ही है तो आप मिस्टेक के साथ कर लो, बिग मिस्टेक इज इक्वल टू ब्लंडर, बिग मिस्टेक इज इक्वल टू ब्लंडर, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिख रहा है जेंटल, कूल या स्ट्रोंग, और आगे वर्ड लिखा हुआ है ब्रीज। ब्रीज हमारी होती है सुहावनी हवा, मतलब ऐसी हवा जो हमें अच्छी लग रही है, अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये देखिए, जब ये सुहावनी हवा है तो जेंटल तो ये ऑलरेडी है ही, और कूल है तभी सुहावनी है, तो जेंटल और कूल तो वो ऑलरेडी है। और अगर ये जेंटल और कूल होती है तो स्ट्रोंग तो ये कभी बनी नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो तेज हवा हो जाएगी। तो ये तीनों ही वर्ड इसके साथ फालतू हैं, आप सिर्फ बोलिए ब्रीज, सुहावनी हवा, राइट। तो आप इनके साथ तीनों वर्ड कभी भी यूज नहीं कर सकते, कारण जेंटल और कूल ये ऑलरेडी हैं और स्ट्रॉन्ग ये कभी हो नहीं सकती। तो आप अकेला वर्ड यूज करो ब्रीज। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है रिसेप्शन पार्टी। बहुत ज्यादा वर्ड यूज करते हैं हम ये कि रिसेप्शन पार्टी है वहाँ पर। रिसेप्शन का ऑलरेडी मतलब है लौटने पे दी जाने वाली पार्टी, तो दैट इज रिसेप्शन, सो डोंट यूज पार्टी विद इट। आप कभी भी पार्टी वर्ड का यूज इसके साथ ना करें, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है फ्यूनरल सर्विस। कौन सी सर्विस होती है ये, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार जब हम करते हैं तो ये ऑलरेडी ही एक सर्विस है। फ्यूनरल क्रियाक्रम जो है ये ऑलरेडी इसमें एक एक्शन है, ये ऑलरेडी एक सर्विस है, तो सर्विस लगा करके इसको सुपरफ्लुअस ना बनाएं, कभी भी यूज ना करें इसके साथ कि फ्यूनरल सर्विस, कि मैं उसके फ्यूनरल सर्विस पे गया था, गलत बात हो जाएगी। लेटेस्ट अपडेट्स, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे भी जब आप कोई पेज खोलते हो तो लिखा आ जाता है कि लेटेस्ट अपडेट्स, कभी भी मत बोलिए। लेटेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ मार्केट में सबसे लेट आई, क्योंकि लेट का सुपरलेटिव फॉर्म है। आप जैसे मार्केट में जाके कहते हो भैया लेटेस्ट कपड़े मुझे दिखा दो, इट मीन्स मार्केट में जो सबसे लेट आई है, पहले वाले तो आके पुराने हो गए ना। और अपडेट्स क्या होते हैं, दैट इज़ अप टू डेट, अब की अब तक का जो है दैट इज़ अप टू डेट, तो अपडेट्स तो ऑलरेडी ही लेटेस्ट होते हैं। तो आप दोनों वर्ड को कभी भी इकट्ठा यूज़ ना करें, एक यूज़ करो इसमें से, ठीक है। आप कह सकते हो वॉट आर द अपडेट्स, वॉट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड ये मैं बहुत ज़्यादा आजकल स्टेटस में भी देखती हूँ, कुछ लोगों को अपनी पुरानी पिक्चर मिल जाती है बचपन वाली और वो लिख देते हैं अपना क्या कि ओल्ड मेमोरीज। तो आपके लिए कॉमन सेंस ये है कि मेमोरीज तो हमेशा ओल्ड ही होती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ मेमोरी कब बनती है, जब वो घटित होकर के पास्ट में चली जाती है। तो मेमोरी के साथ कभी भी ओल्ड वर्ड का यूज़ ना करें, क्लियर है यहाँ तक किसके साथ क्या यूज़ नहीं करना। अब हम मूव करते हैं सेकेंड कैटेगरी, रेगुलर सीरीज। अब ये देखिए सीरीज क्या होती है, रीजनिंग में आप पढ़ते हो, कोई भी ऐसा रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न इज इक्वल टू सीरीज, यही होता है ना उसमें कि पर्टिकुलर किसी रेगुलर पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो, तो सीरीज तो होती ही रेगुलर है।
कोई भी चीज़ सीरीज कब बनेगी? जब वो रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेगी। तो कभी भी हम सीरीज वर्ड के साथ रेगुलर का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है? आफ्टर दैट एक वर्ड लिखा दिख रहा है, बर्थडे डेट, दैट इज रॉन्ग। बर्थडे भी है इसमें और डेट भी है। डे और डेट क्या दोनों वर्ड इकट्ठे यूज कर सकते हैं हम? आप क्या बोल सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ। क्या बोलेंगे? डेट ऑफ बर्थ। या फिर सिंपली जो स्लैंग में चलता है, दैट इज बर्थ डेट। क्या बोल देते हैं? बर्थ डेट। ठीक है, कभी भी बर्थडे डेट नहीं बोलेंगे, बर्थ डेट बोल सकते हैं। एडवांस नोटिस, कई बार जैसे लड़ाइयाँ होती हैं ना, भाई मैंने उसको ना एडवांस नोटिस दे दिया था। भाई नोटिस तो हमेशा दिया ही एडवांस में जाता है। ठीक है, तो एडवांस वर्ड इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा? फालतू। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, सरप्राइज का मीनिंग ही क्या है? जिसकी आपको उम्मीद नहीं है आपके लिए वो सरप्राइज है। तो सरप्राइज वर्ड के साथ अनएक्सपेक्टेड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? एक्सीड एंड मोर देन, एक्सीड का मतलब ये वर्ड बना है एक्सेस से। एक्सेस का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा। तो आप क्या कह रहे हो कि 200 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना आपको। तो एक्सीड ऑलरेडी है, तो मोर देन वर्ड क्या कर रहा है वहां पर? फालतू है। तो एक्सीड के साथ हम कभी भी मोर देन का यूज नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कंसेंसस ओपिनियन। कंसेंसस का मीनिंग यहां पर है कि जब आप इकट्ठा होकर के कोई ओपिनियन बनाते हो। ठीक है, कंसेंस का वर्ड मीनिंग ही क्या है? कलेक्टिव ओपिनियन, मतलब लोगों ने इकट्ठे मिल करके कोई ओपिनियन बनाया, दैट इज कंसेंसस। ठीक है, तो आप कभी भी इसके साथ ओपिनियन वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ओपिनियन पसंद है तो कलेक्टिव लिख दो ना, कलेक्टिव ओपिनियन इज इक्वल टू कंसेंसस, ऐसे बोल सकते हो। काइंडली और प्लीज दोनों इकट्ठे यूज नहीं करेंगे, एक यूज करो इनमें से। सफिशियंट और इनफ, सफिशियंट वो है जो काम चलाऊ है, जिससे हमारा काम चल जाए, और इनफ भी क्या होता है? जो जिससे हमारा काम चल जाए। तो दोनों वर्ड को कभी भी हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमें दिख रहा है म्यूचुअल फ्रेंड या म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये वर्ड आप फेसबुक यूजर हो सारे देखते हो। मान लीजिए मैं किसी एक और बच्चे की फ्रेंड लिस्ट में भी हूँ और दूसरे में भी, तो मेरे नाम के नीचे वो क्या दिखाता है? म्यूचुअल फ्रेंड, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, आपस में। जैसे मैं ये बोलूं कि हस्बैंड और मेरे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इट मींस वो मुझे समझते हैं, मैं उनको समझती हूँ, तो म्यूचुअल है ये चीज़। अगर मैं बात करूं कि मैं आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी हूँ, आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी हूँ, तो मैं कॉमन हुई ना, म्यूचुअल आपसी थोड़ी हुए हम। मैं आपकी लिस्ट में क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो आप इसके लिए वर्ड यूज़ करिए कॉमन फ्रेंड रेदर देन म्यूचुअल फ्रेंड। क्लियर है? अगर मैं बात करूं एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट कब होगा? आपस में जब लोग राजी हो जाएं, तो वहां पर भी हम क्या नहीं लिखेंगे? म्यूचुअल एग्रीमेंट। सिर्फ बोलिए एग्रीमेंट हो गया हमारे बीच में, इट मीन्स दोनों पार्टियां सहमत हो गई उसके लिए, दैट इज। ठीक है, तो फ्रेंड, फ्रेंड की जगह पे, इस म्यूचुअल की जगह पे आप यूज कर सकते हो कॉमन, कॉमन फ्रेंड, और एग्रीमेंट आप अकेला यूज करो, म्यूचुअल के साथ मत लिखो। क्लियर? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड तो हमेशा टाइम का ही होता है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? दैट पीरियड। ठीक है, ऑफ टाइम यहाँ पर क्या है? फालतू है। आफ्टर दैट आता है, जैसे कई बार लड़ाई होती है कि छोड़ना ये मेरी पास्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री कभी भी पास्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हिस्ट्री कोई भी चीज़ बनी कब है? जब वो गुजर गई, जब वो पास्ट में चली गई। हाँ, अगर आप बोलना चाहते हो हिस्ट्री के हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। एंशियंट का मतलब है प्राचीन, लेकिन आप कभी भी पास्ट हिस्ट्री नहीं कह सकते। एंशियंट हिस्ट्री कह सकते हो कि बिल्कुल पुरानी जो हमारी हिस्ट्री थी, लेकिन आप प्राचीन हिस्ट्री कह सकते हो, पास्ट हिस्ट्री नहीं कह सकते। ये बात समझ आई? तो ये थे हमारे कुछ सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन, जिसमें हमने ये सीखा कि इस वर्ड के साथ ये यूज नहीं करना। इसके पार्ट टू में मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगी, जिसमें क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी फ्रेजेज हैं कुछ जो हम अपनी लाइफ में यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मेरी आपसे मुलाकात होगी। टिल देन यू टेक केयर।